हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक और आईपीओ को जो 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, और ये आईपीओ है सेलो वर्ल्ड का आईपीओ। इस नाम से हम सब फेमिलियर हैं, हम सब लोग इसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि कितनी पुरानी ये कंपनी है, कैसा अब तक का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। बिज़नेस मॉडल मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस ब्रांड से काफ़ी फेमिलियर हैं। उसके बाद क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ की क्या डिटेल्स है, क्या इस आईपीओ के अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कंपनी तो काफ़ी वेल नोन है लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। सभी चीज़ों को डिटेल में हम समझेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। इसके साथ ही अगर आप डेली के अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में कुछ समझना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट की क्लासेस करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स, हमारी वेबसाइट के लिंक, गूगल के रिव्यूज़, आपको सब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को इन शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सेलो वर्ल्ड, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, तो बेसिकली ये 60 ईयर से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है और कस्टमर का काफ़ी ट्रस्ट है इस ब्रांड पे। और इनका जो मेन प्रोडक्ट है, जब दिमाग में सेलो नाम से पहले ही आता है स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स एंड हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स। तो स्टेशनरी वगैरह के प्रोडक्ट्स, राइटिंग प्रोडक्ट्स और हाउस होल्ड के जो प्लास्टिक चेयर्स, बकेट्स, क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स, तो बेसिकली तीन कैटेगरीज में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अपने प्रोडक्ट्स। जैसे हमने बताया कि पहला स्टेशनरी एंड राइटिंग प्रोडक्ट्स जो इनके होते हैं, जिसमें नोटबुक्स और पेंस वगैरह हमें पता चलता है। देन दूसरा है मोल्डेड फर्नीचर, जिसमें प्लास्टिक चेयर्स वगैरह आ जाते हैं। और तीसरा है हाउस होल्ड वेयर्स जो इनके, जैसे कि क्रोकरी सेट वगैरह हो गया या फिर वाटर बॉटल्स, कैटल्स, क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स, ये सभी जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जिसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके बाद इंडिया में कंपनी के डिफरेंट 5 लोकेशंस में 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और कंपनी अपना एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी ओपन करने की प्लानिंग में है, जो कंपनी राजस्थान में ओपन करने का सोच रही है, जहां से कंपनी यूरोप से अपने मशीनरीज मंगाएगी ताकि वो काफ़ी एफिशिएंसी से प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो ये ओवरऑल जो है ये इसका बिजनेस मॉडल हमने देख लिया। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें इसकी, तो स्ट्रेंथ हमें काफ़ी अच्छा दिखता है। एक तो कस्टमर ट्रैक रिकॉर्ड इसका काफ़ी अच्छा है, कस्टमर का ट्रस्ट है, वेल नोन ब्रांड है, पुरानी कंपनी है, प्रोडक्ट रेंज काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, चाहे वो स्टेशनरी में हो या हाउस होल्ड में हो या फिर फर्नीचर में हो, हर जगह कंपनी का प्रोडक्ट रेंज जो है हर तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपर्ट है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, कस्टमर की नीड्स को पहचानती है, तो ये सभी कंपनी के स्ट्रेंथ पार्ट हैं। अभी हमने कंपनी की सारी डिटेल्स की बात कर ली, अब हम इसके फाइनेंशियल्स को एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी के बारे में हम जानते तो हैं पर इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इतने पुरानी कंपनी है। तो यहाँ से अगर पिछले 3 सालों का हम कंपनी का फाइनेंशियल्स चेक करेंगे, तो अगर आप असेट यहाँ से चेक करेंगे, लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का असेट आपको ग्रो होता हुआ दिखेगा, जहां मार्च 2021 में ये 1146 करोड़ था, जो अब बढ़ के रिसेंट में मार्च 31 को जो है ये 1551 करोड़ हो गया है। तो कंसिस्टेंटली ये जो है इसका हमें प्रॉफिट बढ़ता, असेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। देन रेवेन्यू की बात करें, जिसे हम सेल्स भी बोलते हैं, तो कंपनी की सेल्स क्या बढ़ रही है, तो कंपनी की सेल्स में भी हमें बहुत अच्छा लास्ट 3 ईयर्स में जो यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर आपको 30 जून का डेटा दिख रहा है, तो यहाँ पर ये 3 महीने का डेटा है, तो 3 महीने के अकॉर्डिंग भी हमें दिखेगा कि कंपनी जो है अच्छा खासा सेल्स कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देख लेते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने 29% से ज़्यादा का इंक्रीज करके दिखाया है अपने प्रॉफिट में। जहाँ पे ये मार्च 2021 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 165 करोड़ का था, जो मार्च 23 में 285 करोड़ हो गया है, और कंसिस्टेंट जो है ईयर ऑन ईयर अगर आप चेक करेंगे तो वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। देन आप नेटवर्थ, अगर कंपनी की नेटवर्थ भी हमें बढ़ती हुई दिख रही है, और रिज़र्व और सरप्लस की अगर बात करें तो वो भी हमें कंपनी का अच्छा खासा दिख रहा है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिज़र्व है। बोरोइंग्स भी, यहाँ पे कंपनी के पास बोरोइंग्स भी हैं, तो बोरोइंग्स भी अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर से कंपनी का जो बोरोइंग था, अगर मार्च 21 से मार्च 22 को देखेंगे डेटा, तो बोरोइंग्स बढ़ी हैं, लेकिन इस साल कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स जो हैं वो कम भी की हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी है, कंपनी फाइनेंशियली जो है स्ट्रांग है, तो बोरोइंग्स तो कंपनी के पास है, लेकिन इतनी कंसर्न की बात नहीं है क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है, सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, तो वहाँ पर कंपनी अपने बोरोइंग्स को कम कर सकती है। अब और ज़्यादा अगर हम इसके थोड़ा ईपीएस वगैरह को चेक करें कि कंपनी
क्या पैसा बना रही है, किस तरीके से कंपनी का अर्निंग पर शेयर किस तरीके का है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर पी रेशो की सबसे पहले बात करें तो 49.2 का पे रेशो है, तो एक फेयर वैल्यूशंस पे हम कह सकते हैं। देन आरओई बहुत ही बढ़िया 134.43% का है, आरओसीई 44% का है। बहुत ही, जैसा हमने बोला, इतनी पुरानी कंपनी है और दोनों ही ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जो आरओई मतलब कंपनी जो पैसा बना रही है उसकी रेशो काफ़ी बढ़िया हमको दिख रही है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 13.65 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे 23.17% का यहाँ से हमें कंपनी का दिख रहा है। तो ये सब कंपनी के सभी फाइनेंशियल्स हमने देख लिए। अब हम कंपनी के इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि किस रेट पे ये आईपीओ आ रहा है और क्या इसका इश्यू साइज़ है। तो 30 अक्टूबर को जो ये आईपीओ है वो ओपन होने वाला है और 1 नवंबर तक ये अप्लाई करने के लिए ओपन रहेगा, मतलब इस ड्यूरेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू इसका ₹5 शेयर्स का है, तो ये भी एक अच्छा साइन है, फेस वैल्यू अच्छा रखा गया है। प्राइस बैंड जो है इसका 648 का कट ऑफ है, 648 जो हायर कट ऑफ प्राइस होता है उस पर अप्लाई करना होता है। एक लॉट में 23 शेयर्स रहने वाले हैं, तो अगर आप रिटेल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना काफ़ी रहता है ताकि आपके चांसेस बढ़ सकें आईपीओ मिलने के। देन अगर इसकी इशू साइज़ की बात करें तो टोटल 1900 करोड़ का ये आईपीओ है और ये पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा दिखना चाहता है कि फ्रेश इशू यहाँ कुछ नहीं है, पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो पुराने प्रोमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पे बेच के जा रहे हैं। फिर जो सेलो के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ₹61 पर शेयर का यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और 35% यहाँ पे जो कोटा है ये रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिज़र्व रखा गया है। 9 नवंबर को ये कंपनी जो है एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाने वाली है। तो ये सभी कंपनी की डिटेल्स हो गई। अब आईपीओ लाने का जो ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे आईपीओ से कंपनी को कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, जो भी पैसा है वो प्रोमोटर्स को मिलने वाला है, वो अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पे बेच के जा रहे हैं, तो इसलिए आईपीओ आ रहा है क्योंकि प्रोमोटर्स अपने स्टेक को हटाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की और क्या इसके आईपीओ के लिए अप्लाई करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जहां कल की डेट में मैं ये 27th को ये वीडियो शूट कर रही हूं, 26th को अगर इसकी आईपीओ इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो चल रहा था 90 पे और आज की डेट में एक दिन बाद इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ के हो गया 118 पे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी हमको जंप देखने को मिला है, तो हो सकता है कि जब तक ये आईपीओ का जो डेट आएगा 30 नवंबर को, तब तक इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में और भी हमको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखे। तो इस बेसिस पे अगर बात करें कि किस तरीके की लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है, तो अगर इस पे हम बात करें तो ये जो है 766 के आसपास, जिसका ग्रे मार्केट पे भी अभी जो चल रहा है 118 का, उसके बेसिस पे 766 के आसपास ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है। मींस 18-20% तक का आप लिस्टिंग इन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के ग्रे मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। हो सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ेगा तो इसमें जो लिस्टिंग की जो पॉसिबिलिटी है, जो गेन की, वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सभी, ये आज का डिटेल वीडियो था, तो होप करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। ये मेरी एनालिसिस है और आप भी अपनी एनालिसिस ज़रूर लगाएं किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो आईपीओ हो या शेयर्स हो। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, कंपनीज़ को कैसे देखा जाता है कि कैसी कंपनी, कौन सी कंपनी अच्छी है कैसी है, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट की क्लासेस कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।